अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शेज़ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया व्लॉग, एक नई रेसिपी लेकर। आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाने वाले हैं अफ़गानी पनीर। नाम सुन के ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही मुश्किल सी कोई डिश है, लेकिन जितना मुश्किल नाम है बनाना उतना ही आसान है। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं किचन में, स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग और बनाते हैं एक बढ़िया सा अफ़गानी पनीर इंडिया में। चलें, अफ़गानी पनीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑफ़कोर्स पनीर, और चाहिए प्याज, ये लहसुन, अदरक और बहुत सारा धनिया। उसके अलावा भी कुछ इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगी आपको। उससे पहले मैं प्याज काट लेती हूँ। प्याज को हम पहले छील लेंगे। और उसको रफली कट करेंगे, बहुत बारीक कट नहीं करना है। ये देखिए, ये देखिए प्याज हमारा कट हो गया। ऐसे ही हम लहसुन अदरक को थोड़ा सा छील लेंगे और इसको भी मोटा मोटा कट कर लेंगे। अदरक भी हो गया, प्याज भी हो गया, अब आई हमारे लहसुन की बारी। इसको भी हम बस पील कर लेंगे, बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक कली लेंगे और इसको पील कर लेंगे। हम ये धनिया भी रफली बस बीच में से दो चार बार काटेंगे, बारीक बारीक बिल्कुल नहीं काटना है। अलग ही मेथड है ना, वैसे हम धनिया को जितना चाहे बारीक काटते हैं कि बहुत अच्छा सा लगे, लेकिन इसको हम ऐसे ही बस मोटा काटेंगे। अभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट वाली कुकिंग। अब मैंने एक कढ़ाई में करीब 2 टेबलस्पून में तेल डाल रही हूँ और इसमें मैं डालूँगी लहसुन की वो कलियाँ जो मैंने पील ऑफ करके रखी थी। अब मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च जो मैंने फाड़ के रखी है और धनिया डाल दूँगी और इसको 2 से 3 मिनट तक सौटे कर लूँगी। बस 2 से 3 ही मिनट करना है। देखिए बस ये हो गया, बस ये इतना ही करना था, बिल्कुल भी कलर नहीं देना है हमें। अब मैं उसी तेल में जो मैंने प्याज काट के रखा था वो डाल रही हूँ और इसको भी मैं हल्का सा ही सौटे करूँगी। लो फ्लेम पर करेंगे ताकि इसमें कोई कलर ना आए। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और करीब 1/4 स्पून काली मिर्च डालकर मैं इसे सौटे कर रही हूँ। बस उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया। धनिया मैंने पहले भी डाला था और इसके साथ भी डाल रही हूँ, दोनों का फ्लेवर बिल्कुल अलग रहेगा। और अच्छे से इनको सौटे करके, लेकिन कलर नहीं आने देना है, बस हल्का सा करना है। इसकी जो एक चिरपिराहट होती है जो प्याज की, बस वही हमें ख़त्म करनी है और हमें बिल्कुल भी इसको कलर नहीं देना है, बस मीठापन इसका दूर करना है। इतना ही सौटे करूँगी और निकाल ले रही हूँ मैं इसको पहले वाले मसाले में। अब हम इस सब को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक मिक्सर जार में और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड एक फाइन पेस्ट में। अब मैं कर लूँगी पनीर के स्लाइसेस। अच्छा, ये याद रखिएगा कि बिल्कुल क्रीमी और फ्रेश पनीर नहीं लेना है अफ़गानी पनीर के लिए। थोड़ा सा 1-2 दिन पुराना पनीर लीजिएगा जिसमें बॉडी हो, अदरवाइज़ ग्रिल करते टाइम ये टूट जाएगा और उतना अच्छे से ग्रिल नहीं कर पाएंगे हम। बॉडी वाला पनीर होगा तो अच्छा ग्रिल होगा।
अब हम पनीर के टुकड़ों को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और उसको हम मैरिनेट करेंगे। बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं चाहिए। एक टेबल स्पून चाहिए हमें ऑयल, 1/4 स्पून चाहिए हमें काली मिर्च का पाउडर और 1/4 स्पून चाहिए हमें नमक, इसके अलावा और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट करीब आधा चम्मच, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे घंटा दो घंटा बिल्कुल भी मैरिनेट नहीं करना है, बस 5 मिनट में ही काम हो जाएगा, क्योंकि पनीर में कभी भी फ्लेवर अंदर तक जा ही नहीं सकता। तो हम कितनी भी देर तक इसको मैरिनेट करें, ये चिकन या मटन नहीं है या जिसमें अंदर तक फ्लेवर जाने के लिए हम घंटों तक मैरिनेट करके रखते हैं। पनीर का मैरिनेशन 5 मिनट का भी उतना ही काम करेगा जितना 5 घंटे का। अब एक पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। आप चाहो तो इसे ओवन में भी रोस्ट कर सकते हो, ग्रिलर पे ग्रिल कर सकते हो। मैं सीधे सीधे पैन में ग्रिल कर रही हूँ इसको, या आप शैलो फ्राई भी बोल सकते हो इसको। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम पनीर को इस पर रख देंगे, अच्छा सा ब्राउन होने तक इसको सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसका। ऐसे ही हमें दूसरी साइड से भी सेक लेना है इसको पलटते हुए। देखिए कितना बढ़िया ये कलर आ गया, कलर एकदम बढ़िया आया है इसका। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। दोनों साइड से ये सिक चुका है अच्छी तरीके से, और इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा, अभी से ही टेम्पटेशन हो रहा है ना इसको खाने का, क्योंकि कलर ही इतना प्यारा आया है इसका और फ्लेवर्स की खुशबू भी खूब अच्छी आ रही है सारे फ्लेवर्स मिलकर। ये है हमारा जो मसाला हमने पीस के रखा था, और अब हम इसमें थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे। ये आ गया हमारा गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, सॉरी ये है जीरा पाउडर, ये कमी डालेंगे क्योंकि इससे कलर डार्क हो जाता है। और ये हम डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये आ गई हमारी थोड़ी सी हल्दी। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हाँ, और इसमें हमें थोड़ा सा ऐड करना है दही, और इसको भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये करीब 3 टेबल स्पून दही मैंने इसमें मिक्स किया है। अब हमने ले ली एक कढ़ाई और इसमें ले लिया थोड़ा सा ऑयल, और अब हम इसमें ना सारा मसाला शिफ्ट करेंगे और इसको पका लेंगे। ये देखिए कितने प्यार से भुन रहा है हमारा मसाला। अच्छा, ये उछल रहा है तो इसका ध्यान रखिएगा कि आप ढककर ही इसको भूनना। मैं भी ढककर ही भून रही हूँ, बस मैंने आपको दिखाया नहीं है कि मैंने इसे ढका था, तो बस मैंने अभी खोला है देखने के लिए कि ये कितना भुन गया है। अभी इसमें 2 से 4 मिनट और लग जाएंगे, तो बिल्कुल क्रीमी हो रहा है क्योंकि हमने पहले प्याज को जो सॉटे किया था उसकी वजह से इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। और ऑफ कोर्स दही भी है इसका हमारे इसमें, तो ये और बढ़िया टेक्सचर बनेगा। तो प्यार से ऐसे फटाफट से भून लीजिए। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल अलग हो गया है और मसाला खूब बढ़िया सा टेक्सचर आ गया। अब इसमें पानी डालूंगी मैं, जितनी पतली मुझे ग्रेवी चाहिए, थोड़ा सा पतला करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है, भुनते हुए थिक हो जाती है, तो थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया। और मुझे लगता है थोड़ा सा मैं और डाल दूँ क्योंकि ये थोड़ी अभी मुझे थिक लग रही है, थोड़ा सा ही डाल देती हूँ। चलिए डाल देती हूँ मैं अपना करीब 1/2 कप पानी और डाल रही हूँ, 1/2 कप नहीं थोड़ा सा ही डालूँगी। तो ये बस मुझे ग्रेवी मिल गई जितनी मुझे चाहिए थी,
और बस इसमें एक बॉयल आने दूंगी, उसके बाद रेडी। ये आ गया हमारा पनीर जो हमने किया था फ्राई या ग्रिल या रोस्ट, जो आप बोलना चाहो। वैसे ये शैलो फ्राई था। इसको हम ऐसे रख लेंगे और ये सारा आ गया। और ये आ गया हमारा अफ़गानी मसाला। तो रेडी है हमारा अफ़गानी पनीर, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही इजी सी रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं अफ़गानी पनीर। गज़ब का बना है, कुछ भी तो नहीं डाला इसमें और कितनी जल्दी बन गया। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।